तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, फैक्टर मल्टीपल ना यही सब तो पढ़े थे। तो ई बताओ भैया, 18, 22 और 10, इनका एलसीएम क्या होगा? आज कुछ नया पढ़ेंगे, यही पुराना वाला नहीं, कुछ नया पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाते हैं, फिर पढ़ेंगे नया। आज 24 जनवरी है, आज डेट भी डाल देता हूँ। आज का जो टॉपिक है, इधर साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से देखो, आज का टॉपिक है एलसीएम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी चर पदों का एलसीएम आज हम आपको सिखाएंगे, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। जैसे अगर मैंने इसका एलसीएम पूछा तो कुछ लोगों ने पटाक दे जवाब दे दिया। लेकिन लेकिन तब लग जाती है जब मैं इसकी जगह पर ऐसे खतरनाक रख देता हूं, ऐसे जैसे मैंने कहा कि भैया हो यक्स स्क्वायर और यक्स, इसका एलसीएम बताइए, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत है, ये गिनती का एलसीएम तो हम पढ़े थे, दो चार दस बीस, इसका तो गुरुजी बचपन में पढ़ाए थे। लेकिन अब कहो ए बी सी डी का एलसीएम, तो ये तो नहीं पढ़े थे। तो हम इसी को आपको पढ़ाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिएगा कम से कम आपसे 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छी जगह जुड़े हैं, टाइम नहीं है तो फिर भगवान ही जाने। आइए आगे बढ़े। कृष्णा, बहुत अच्छे। अनुपम मौर्या, वेरी गुड। जो कमेंट में जवाब दे रहा है उसका नाम हम जरूर लेंगे, ठीक है। तो भैया इनका एलसीएम तो आप लोग कर लीजिएगा, हम इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पिछली क्लास में हमने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने फैक्टर वगैरह बहुत काफी हद तक बता दिया था, उनको डिटेल में बता दिया था। अगर आपने 19 नंबर क्लास नहीं देखा तो चैनल पे पड़ी है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। इनका एलसीएम सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, ठीक है, भाग विधि भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि लगाएंगे पहले। साथियों, पहला पद इसमें है एक्स का स्क्वायर, इस पे जितनी घात लगी है इसका मतलब ये उतना बार मल्टीपल है, ठीक है। आइए, अगर सामान्य तौर पर बिना किसी रूल की हम बात करें तो एलसीएम वो नंबर होगी जो इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे इसके समकक्ष अगर हम तुलना करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दें कि जैसे 12 और 18, अगर इनका एलसीएम पूछे तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम सही है, 12 18 नहीं बैठ रहा है, 24 इस पे कर लीजिए, 24 भी तो हमें लग रहा है, नहीं, ठीक है 24। इनका एलसीएम क्या होगा? दिव्या राजपूत, ठीक है, और दिव्या तिवारी, वेरी गुड, रंजीत। आइए देखिए साथियों, इनका एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम का मतलब वो बड़ी से बड़ी गिनती जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, दोनों से, एक से नहीं, दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 12 से 12 तो डिवाइड हो जाएगी, 24 भी डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। तो 12 एलसीएम हो जाएगा क्या? बताइए इनका क्या होगा? 12 होगा कि नहीं? ऐसे नहीं, एलसीएम वो नंबर होगा, आप जानते हो कि नहीं, छोटे से छोटा गुणज जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से, समझ रहे हो? तो 12 से 12 तो कट जाएगा, लेकिन 12 से 24 कहाँ कटेगा? कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आइए बात करते हैं, इधर देखिए, तो यहां पर भी इन दोनों का एलसीएम वो गिनती होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए। जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है ना, 2 और 4 का 4 होता है, क्यों होता है? 2 और 4 का एलसीएम 4 इसलिए होता है क्योंकि 2 से भाग करने पर भी 4 कट जाता है, 4 से करने पर भी कट जाता है। लेकिन जो लोग इनका एलसीएम 12 बता रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं 12 होगा 12 होगा। आओ देखो, अगर 12 एलसीएम है तो 12 में 12 में अगर हम भाग करें किससे? इस 12 से, तो भैया ये पूरा पूरा कट जाए, तो 12 एकम 12 कट गया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जो एलसीएम आया था 12, आप लोग बोल रहे थे ना,
तो 12 में अगर हम दूसरी गिनती 24 से डिवाइड करें तब भी जीरो आ जाए शेषफल। क्या इसमें यहाँ पर ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। तो एलसीएम वो नंबर है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो यहां पर ये 12 कहना गलत होगा, अगर हम कहें 24 तो ये सही है। रूल के अकॉर्डिंग भी करोगे तब भी ठीक है, समझ में आया? तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वैसे यहां भी आएंगे इसमें भी। कुल मिला के ये जान लीजिए, अगर दोनों संख्याएं एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जैसे हैं, तो जो संख्या बड़ी होगी वही एलसीएम होता है, जो बड़ी होगी वही एलसीएम होता है, क्योंकि घरे द्वारे जो बड़ा होता है ना वही जिम्मेदार होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? क्यों भाई समझ रहे हो ना? इधर आओ फिर, इनका फैक्टर करेंगे फिलहाल अभी के लिए। तो हम तो फैक्टर का मतलब जितनी घात है उतना बार ये है। ये यक्ष अकेला था बेचारा, इसकी शादी ब्याह हुई नहीं है हमारे जैसे, ऐसे रहेगा ये। ज्यादा मत अर्थ निकालिए क्या, इधर देखिए। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे एलसीएम। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल बनाते हैं जोड़े, मतलब मल्टीपल तो कर लिए हैं, इनके जोड़े बनाएंगे पेयर। इसमें देखिए एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है, जो दोनों में है उसको एक बार लिख लेते हैं, एक्स हो गया। फिर जो बचा है जिसका कहीं कोई मल्टीपल मतलब फैक्टर नहीं है, कॉमन नहीं है, कुल मिला के कॉमन, उसको भी लास्ट में लिख लेते हैं, सबका गुणा कर लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें बड़ा लंबा खींच दे रहे ना, थोड़ा फास्ट करें, बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बताएं क्या कह रहे हो आप लोग। अगर हाँ तो बोलिए कि जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट हल कर दीजिए। बताइए इनका एलसीएम बताइए, कि जैसे चल रहा वैसे ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फटाफट, उसका एलसीएम बताइए। चलिए नहीं सब नहीं बता रहे हैं। एक है प्रियांशी सिंह, हमें लगता है यही बोल रही हैं कि खूब फास्ट पढ़ाइए हवा में जाए, हाँ फिर क्या कहेंगे समझ में ना ही आ रहा है। अर्चिता शर्मा आइए इधर देखिए, कोई कितना भी कहे और कहता ही रहे लेकिन मैं सुधारने वाला नहीं हूं, मैं अपने अनुसार ही बताऊंगा। इनका भी एलसीएम आपको बताने ठीक है। नेहा मिश्रा का आंसर आ गया 4x की पावर 5। श्वेता कुमारी ठीक है। देखिए इसमें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, सबसे पहले अगर एलसीएम की बात करें तो हम गुणनखंड विधि से लेके चलेंगे, इनके पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप सबको पता है, 2 और 4 का अगर हम फैक्टर करने को कहें तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इनके साथ में जो यक्ष लगा है उनका भी कर लेंगे ठीक है। तो 2 को हम वैसे ही रहने देंगे, यक्ष की घात 3 है, यानी जितनी घाते हैं इसका मतलब ये इसमें उतनी बार शामिल है। यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर यक्ष की घात 5 है तो इसका मतलब ये है भैया कि यक्ष का इसमें 5 बार गुणा किया गया होगा ठीक है। अगर यक्ष का घात 2 है तो इसका मतलब है कि ये यक्ष गुणे यक्ष रहा होगा। इसी तरह से अगर कहीं वाई में है, वाई का घात 3, तो इसका मतलब है कि वाई गुणा वाई 3 बार रहा होगा, यानी जितनी घात है इसका मतलब ये उतनी ही बार रहा होगा, ये आप याद रखना ठीक है। अगर कहीं जेड की घात 9 है तो इसका मतलब ये जेड गुणे जेड 9 बार रहा होगा, लेकिन मैं 9 बार लिखूंगा नहीं, अब इतना पागल नहीं हूं ठीक है। नेहा वर्मा ठीक है, हर्षिता वेरी गुड। भाई आप लोग क्लास को लाइक भी करते जाइए, ऐसे मजा नहीं आ रही अगर हम ना कहें तो फिर कैसे चलेगा। ऐसे क्लास को लाइक करते जाइए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, आधे से ज्यादा लोग लाइक नहीं करते हैं, क्यों भाई वजह क्या है? ये समझ में आया लिख लीजिए। तो इनके आंसर पे चलते हैं, देखिए जिन लोगों को आ रहा है उनसे निवेदन है थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जिससे आपके ही भाई बहन है, हाँ साथी हैं यार दोस्त, इनको भी आना चाहिए, तो थोड़ा सा साथ दीजिए, थोड़ा सा साथ दीजिए बस। इसमें क्या करेंगे भाई, अगर हम 4 का फैक्टर करने को बोलें तो आप कहोगे कि 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब यक्स की पावर 5 को क्या करेंगे,
जितनी बार है ये घात उतनी बार हम यक्ष को लिखेंगे, इसका सीधा सा मतलब यही है। और मैंने 5 बार लिख दिया, यहां लिखेंगे एलसीएम बराबर। पहले इनके क्या करेंगे हम, जोड़े बनाएंगे। ये देखो एक दो इसमें भी है, इसमें भी है, एक यक्ष इसमें भी है, एक यक्ष इसमें भी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक यक्ष इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। क्या और कोई कॉमन है बताइए, और कोई कॉमन है, फट से बोलिए हाँ या नहीं। नहीं ना, बैटरी लो हो गई है इसकी मुझे लग रहा है। ठीक है मैं लगा लूंगा, यू डोंट वरी। चलो नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मैं बैटरी इसका चेंज कर लूंगा फिलहाल के लिए, आप लोग बताते चलिए। निधि तिवारी, ठीक है नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन है, जैसे दो, इसको मैंने लिख लिया एक्स, यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार कॉमन है ना, तो 3 बार 3 जोड़ा बना है, तो हम 3x यहाँ लिख लेंगे। ठीक है फाइनल में सबका मल्टीपल कर लेंगे, 2x का पावर 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। क्यों नहीं, गलत हो गया ये, HCF करते तो सही था, HCF ये गलत हो गया, LCM के लिए गलत है। गलत क्यों है, जो कॉमन था वो तो लिख लिया, लेकिन ये कहता है सबका साथ सबका, आगे नहीं बोलेंगे। जो बचे हुए हैं उनको भी इसमें लिख लिया जाता है, जिनका जोड़ा वोड़ा नहीं बना है उनको भी लिख लेते हैं। ये दोनों यक्ष बचे थे इनको भी यहां लिख लेंगे। अब यक्ष की संख्या 3, 2, 5 बार हो गई है, तो ये 2x घात 5, ये इसका आंसर होगा। फिर गलत हो गया आप कहोगे, ये मैंने सब तो लिख लिया, इसको काहे छोड़ दिया भाई। मानते हैं इसका कोई जोड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा अत्याचार नहीं, इसको भी लिखेंगे साथ में। हमें क्यों लग रहा है बार बार छोड़ दे रहे हैं पता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं, और फाइनल में आंसर मुझे पता है कितना आएगा, इसलिए मालूम चल जा रहा है। तो ये क्या है, ये भी 2 छूट जा रहा था, इसको भी लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए। अब सबका गुणा कर लोगे तो 4x घात 5 आएगा, कितना आएगा 4x का पावर 5। इसका हम थोड़ा सा बैटरी चेंज करेंगे, कोई भागना नहीं ठीक है। हो सकता है 1 मिनट के लिए आवाज नहीं आएगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं, हाँ सांसें रोक के बैठे रहना, क्योंकि लो हो गया ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा कब मुझे पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा रुक जाना भाइयों एंड बहनों साथ। ठीक है सही हो गया, बताइए एक बार कम से कम, हाथ तो उठा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो ये समझ में आया सभी को, ये इसका एलसीएम हो गया 2x का क्यूब और 4x का पावर 5, इसका एलसीएम हो गया 4x का पावर 5। अब देखिए एक्चुअली जो इनका एलसीएम है, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर इनका जो एलसीएम आया है, अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो ये x की पावर 5 आया है। ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि अगर हम इस एलसीएम में, इस एलसीएम में याद रखना, एलसीएम में और एचसीएफ में होता है से, समझ रहे हो, जो एचसीएफ आता है उससे दी गई संख्याओं को डिवाइड किया जाता है एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में दी गई संख्याओं द्वारा उसमें भाग किया जाता है, ये अंतर होता है ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल होता है, जो एलसीएम है वो फैक्टर होता है ठीक है, गुणनखंड होता है। तो अगर हम इनको 4x का पावर 5 को 4x का पावर 5 से डिवाइड करें तो क्या पूरी तरह डिवाइड है, बोलिए रिमाइंडर 0 आएगा ना। और यही कंडीशन हम दूसरे वाले नंबर के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि 2 नंबर थे। अगर इनको हम 2x का पावर 3 से डिवाइड करें तो क्या डिवाइड है, नेहा मिश्रा, योगेन सिंह, अगर हाँ थोड़ा तसल्ली रखिए, मुझे ये बताइए इसमें भागफल कितना आएगा, इसमें भागफल कितना आएगा अगर भाग करेंगे तो बोलो। कुछ लोग काफी छटपटा रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं बताते हैं, वो ना उत्तर बताने टाइम ना नानी मर जाती है। अब तड़प ऐसे रहे ना कि जैसे बिछुड़ गए हैं बहुत दिन से, कि जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, बहुत देर लगा रहे हो आप तो भाई, मतलब आए या ना आए उनसे इससे नहीं मतलब है,
उनका ये मतलब है कि जल्दी जल्दी, जिनको जल्दी थी वो चले गए, ठीक है, जिनको जल्दी थी वो चले गए, मैंने किसी ट्रक के पीछे पड़ा था। और दूसरी बात, आपको पता है रोड पे देखते हो जिनको जल्दी होती ना, ट्रक वरक के नीचे घुस जाते बगल से जाके, फिर वो कहीं और पहुंच जाते हैं, इंतजार करने वाली इंतजार करती ही रह जाती है। लेकिन ऐसा ना हो किसी के साथ, भगवान करें आप लोग जल्दी में ना रहें, सकुशल चलें। आइए, 9x का पावर 9 और 12x का पावर 2, अगर हम इनका एलसीएम पूछें तो क्या होगा बताइए। नरेश जी बताइए, बोलिए इनका एलसीएम क्या होगा। हाँ, इसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि 2x का स्क्वायर आएगा। सबसे पहला अगर इसमें हम जवाब देखें, मैंने जब से पूछा था तो मनोज का आया था, मनोज के बाद नेहा मिश्रा का आया था और क्यूट फिजा खान, ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। पहले हम दो बार भाग ले जाएंगे तो 4 को पूरी तरह से धराशाही कर देंगे। फिर यक्स का पावर ये 5 है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 3 दिया गया है, तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 5 हो जाए, तो वो होता है यक्स की घात 2। तो इस तरह से ये 4x पावर 5 हो जाएगा, फाइनल में 0 आ जाएगा और 2x का स्क्वायर इसका भागफल हो जाएगा। कृष्णा कुमार बेटा अपनी पढ़ाई कर लो बाबू, हाँ कुछ भी हो आप अपनी कर लो, बस लास्ट बोल रहा हूँ और फर्स्ट बोल रहा हूँ। चलो ये कितना हो गया, 2x का स्क्वायर ना, 2x का स्क्वायर। और अगर इसका हम गुणा इसमें कर दें 2x का क्यूब का 2x का स्क्वायर में, तो क्या भागफल, वो भाजा का भाज्य, डिविडेंड मिल जाएगा कि नहीं, डिविडेंड मिल जाएगा ना। हाँ पांडे जी, ये लाइव चलता है रोज, कंफ्यूजन में आप लोग रहते हो, नाम ना बोलो तो कहेंगे ये तो लाइव नहीं है भाई, बड़ी मुसीबत है यार। हाँ ये कोई रोबोट से थोड़ी बन जाती क्लास, मुझे आके ही झेलना पड़ता है। आइए चलिए, तो इसमें मैंने एलसीएम पूछा था, शायद इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर नहीं बताया, आइए इधर भी कर देते हैं। देखिए 12 और 3 का एलसीएम पहले मुझे बताओ आप लोग, पहले तो मैं रूल से चलता हूँ, इनको ऐसे ही लिख देंगे 3x6। अब 12 का पहले फैक्टर करेंगे, 2 2 जब 4, हाँ दो बार भाग करोगे भाई, तो ये इसका फैक्टर हो गया 12 का। 3 वैसे ही रहेगा, 3 में कोई और मल्टीपल होगा ही नहीं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ गिनती का फैक्टर किया, बस सिर्फ और सिर्फ गिनती का फैक्टर किया, बाकी कुछ नहीं। 36 का पावर 9 आ गया इसका आंसर, अनुपम मिश्रा सॉरी मौर्य, ठीक है अनुपम जी, वेरी गुड। आइए इसमें यक्स का पावर 4 है, तो हम एक काम करते हैं, ये 6 है, सबको करना तो अलग अलग पड़ेगा फिलहाल, चलिए 4 है तो इसको यक्स को 4 बार मल्टीपल करिए, ये 6 है तो इसमें 6 बार करना, याद रहे 6 बार, ठीक है। अब जितना बार है उतना बार कॉमन ले लीजिए बड़े प्यार से, आप सबको पता है कॉमन क्या होता है। क्या इसमें कोई ऐसा भी महापुरुष है जिसको कॉमन नहीं पता है, कॉमन कुछ कहेंगे हिंदी में बताओ, हिंदी इसकी और खतरनाक है, तीखी है, हिंदी में कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब तुम कहोगे उभयनिष्ठ ये कौन से पंछी का नाम है, तो वो कॉमन की हिंदी है। आइए इसमें कॉमन लेते हैं उभयनिष्ठ, ये 3 दोनों में है प्रेजेंट है, 2 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, इसमें है नहीं कहीं। अब यक्स एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या और कोई कॉमन है दोनों में? कुछ लोग कहेंगे जब जो कॉमन नहीं रहता उसको भी ले लिया जाता है, तो फिर आखिर कॉमन वॉमन का लफड़ा काहे लगाते हो? इसलिए लगाते हैं कि कोई नंबर को 2 बार ना लिखा जाए, 2 बार का मतलब कि जो दोनों में डबल है उसको 1 से अधिक बार ना लिखा जाए, ये मतलब। अब नहीं है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ एलसीएम, पहले जितने कॉमन है, 1 3 x के 4 जोड़े कॉमन है, कितने जोड़े बने हैं 4, तो जितने नंबर आप पेयर है ना उतने ही x यहां पर हम लिखेंगे,
नंबर ऑफ पेयर फोर है तो हम 4x यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ओके। अब ये दो बेचारे कॉमन नहीं थे और ये भी दो कॉमन नहीं था, ये बेचारा एक यक्स और एक यक्स ये भी कॉमन नहीं था, अब इन सब का मल्टीपल कर लेंगे ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है सभी समझ गए होंगे, दिल से बोलना बिल्कुल। सामने से मैं हटता रहता हूँ, छुपता रहता हूँ। इसमें तीन का गुणा इसमें करोगे 6 × 2 = 12, नंबर का हिसाब हो गया 12। यक्स की संख्या कितनी बार है भाइयों साथियों, 3 × 1 = 4 = 2 = 6 बार है, तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो 12x^6 आएगा। अगर मैं इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करूं विस्तार से तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल्स की कोई घात ना दिखने पर उस पर एक माना जाता है, तो ये 6 बार है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4, 5, 6, मतलब 6 बार ये जोड़ा गया है तो ये 12x^6 बना है। सभी को समझ में आया तो जल्दी से बोलिए यस यस यस, आया समझ में, हर कोई बोलेगा यस। वंश का कोई डाउट है भैया, डाउट वाली क्लास PVR स्टडी ऐप की प्रीमियम सर्विस के साथ है उपलब्ध है, आप जाके अभी इनरोल करिए, पूछिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोगों के जिंदगी का सवाल है, मैं डाउट में आ जाऊंगा तो इन लोग की जिंदगी डाउट हो जाएगी। आइए ठीक है, ये हो गया, लिखिए छापिए फटाफट। एक और इधर साइड में है, इसका आंसर फट से आप लोग बताओ, इसका आंसर बताइए जल्दी से, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, जल्दी करिए, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ ही सेकंड के लिए हटाऊं। अरे भाई आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे बाबू, ऐसा क्यों है? जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तुरंत, देर ना करें, फटाफट जल्दी करें, हो गए। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ, उस क्वेश्चन पे चलता हूँ जिसका जवाब ठीक है। आइए 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 आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी कर लेंगे। ये बताइए क्या भिन्नों का एलसीएम बताया गया था कि नहीं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बताया गया कि नहीं? इसका आंसर सबसे पहले अनिल कुमार वर्मा जी ने बताया है, अनिल कुमार वर्मा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे अनिल जी, नरेश जी बिल्कुल अच्छा, पांडे जी बोल रहे हैं कि हम हैंडसम लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अमी को देखो क्लास का है देख रहे हो, हम बढ़िया से क्या बोले इनको, अब आगे बोलेंगे तब भी गड़बड़ है, जाने दो, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू आपको बहुत बहुत, लेकिन ये तारीफ लड़कियों को पसंद आती है, शायद लड़कों को कमी आती होगी, मतलब विशेष रूप से सुंदरता वाली, देखो तारीफ के चक्कर में मेरा गड़बड़ हो गया, तो भाई ये मत करना। ये हो गया 9x^9, ये 9 और ये 12x^2, मतलब स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा, कोई बता रहा है कि 12x, कोई बता रहा है 36। देखिए एक्चुअली आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, इसको तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन आंसर क्या है, ये 12 है और ये 9 है ना, इनका एलसीएम वो संख्या होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए, इन दोनों से पूरी तरह कट जाए वही इसका एलसीएम होगी, तो भैया हो अगर 9 ले लो तो 12 से नहीं कटेगी 9, अगर 9 एलसीएम ले लोगे तो, अगर 12 ले लोगे तो 12 9 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 आएगा ना, ठीक है। लेकिन अब रूल पे चलते हैं, पहले हम 9 का फैक्टर करेंगे, 3 × 3, x^9 है साथियों, यहां पर हम एक जुगाड़ करेंगे, वो कहा पता है, आइए मैं बताता हूं, इनका हमें एलसीएम लेना है तो हम देखें अगले वाले में जो है कैसे है, x का स्क्वायर है ना, तो इनको भी हम x का स्क्वायर के पद में तोड़ेंगे, ये गुणा करने पे घाते जुड़ जाती हैं आप सबको पता है, तो हमने इनको x का स्क्वायर के पद में किया, भैया ये 9 है टोटल, हमने 4 लिख लिया है, अब बाकी बचे हुए 5 इकट्ठे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो हम यक्स 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 डिटेल में लिखें लेकिन 10-20 बार लिखेंगे तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा,
ठीक है। अभी से कपासिया, ठीक है, कमेंट आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया इनको थोड़े टुकड़े टुकड़े में रख दिया बस। अब ये कितना हो जाएंगे, दो से इनका दो का फैक्टर दो से करेंगे पहले, तो दो दूना चार तिया बारह, यक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। अब कि हमने थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश किया है, ऐसे भी कर सकते हो। इनका एक जोड़ा बन रहा है, अब दो का तो कोई है नहीं, इनका देखो ये सीधा सीधा बन गया, इसलिए मैंने इसको दो के पद में तोड़ा था। अब लिखिए एलसीएम, जोड़ा एक तीन का बना है, एक यक्स का स्क्वायर का बना है, ठीक है भाई। देखा इधर, देखा भैया इधर आओ, राजा इधर आओ, देख थ्री कोई जोड़ा है इसका और नहीं बा, अकेला सा है, तना सा ये भी। इसका है कोनो इधर साइड में नहीं, इसका है बत्ती लेके देखो तब नहीं मिल रहा, नहीं है। यानी जिनका जिनका था उनका मैंने लिख लिया, अब जिनका नहीं है आखिर इनके अंदर भी तो आत्मा है ना, उनको भी छोड़ेंगे नहीं। आइए, इनका जोड़ा नहीं था इनको मैंने लिख लिया, इनका भी नहीं था इनको भी मैंने लिख लिया, इनका भी नहीं था इनको मैंने लिख लिया। यानी ऊपर जिनका जिनका नहीं था उनका मैंने लिख लिया, नीचे में भी देखो ये भैया इनका भी दोनों का जोड़ा नहीं है, इनको भी क्या करेंगे, थोड़ी सी कृपा करेंगे इन पे भी। सबका मल्टीपल कर लीजिए, तीन त्रिका नौ, दूना अठारह, दूना छत्तीस, कितना हो जाएगा 36। इनका गुणा करेंगे तो दो दो चार और ये पांच नौ, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो यक्स का पावर नाइन, 36 यक्स का पावर नाइन, ठीक है समझ में आया। पता नहीं ये डीएलएड वालों में है भी कि नहीं है, एक मिनट रुकना मैं थोड़ा सा सिलेबस में देखता हूँ। वैसे है, घबराना नहीं कि फालतू पढ़ा दिए पूरी रात खराब कर दिए ऐसे ही नहीं, रात वाला मजा क्लास में आता है अगर आप दिल से लो तब, समझ रहे हो ना। हाँ कोई और दूसरा मजा का अगर दिल में ख्याल चल रहा है तो वो नहीं आएगा फिलहाल उतना, लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा ही। आइए हम देखते हैं पहले पहुंचे कहाँ तक, कुछ चीजें बाद में पढ़नी थी जिन्हें मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो थोड़ा हाजमोला वगैरह खा के हजम कर लेना अगर गड़बड़ करेगा तो। एलसीएम एचसीएफ था, कुछ लंबे लंबे नियम थे, इतना बड़ा नहीं था, ये नहीं आपके डीएलएड में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ये गड़बड़ नहीं है फिलहाल जो पढ़ाया हूँ, लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन आपके बीटीसी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में नहीं है, ये हुई ना खुशी की बात, है ना, इस तरह का नहीं है। लेकिन सिलेबस में जितना है उससे ज्यादा पढ़ना चाहिए, फिलहाल पलटी कर देना अगर तुम्हें लगे कि गड़बड़ है तो, हाँ पलटी करके पानी पी लेना, हजम नहीं होगा। चलो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अखिलेश यादव ये कौन है भैया, भाई ये काय को हाइड कर रहा है, हाँ दिमाग में घुस जा रहा जिंदगी भर के लिए, हमारी भी तो यही कोशिश है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है अब उसमें चलते हैं, लौट आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, ओवर हो गया था। आइए अब आपके सिलेबस में क्या है मैं वो बताता हूँ, आपके सिलेबस में ना बिल्कुल चटपटा चटपटा सा है बस। देखिए क्या है, लिखिए 12, 9 और 25, ये सिलेबस वाला है, इसको पढ़ाता हूं तो मुझे खुद नहीं मजा आता, ये इनका एलसीएम बताइए, एकदम बच्चों वाला है। अब बताइए बच्चों वाले से बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर कहाँ अच्छा लगेगा। कादिर खान, प्रीमियम बेसिक मैथ कोर्स करना है तो पीबीआर स्टडी ऐप में जाइए, घुस जाइए। हाँ एक बात और बता दें, पीबीआर स्टडी का जो प्रीमियम कोर्स है इस समय उसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है 26 जनवरी के मौके पर, आप चाहें तो पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके इनरोल कर सकते हैं, बच्चों की लिमिट है उसमें, अगर आप चाहते हैं तो आप कल दिन में जरूर कर लें दिन भर में, नहीं तो पूरा हो जाएंगे, केवल 500 बच्चों की सीट है बस 500, जिसमें से 420 बच्चे सुबह तक हो चुके थे मैंने एक बार देखा था,
ठीक है, उसके बाद तो मुझे कोई अपडेट नहीं आई। आइए, इसका आंसर तो आप लोग चुटकियों में बता देंगे। कितना आएगा? ये सब छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम है मैंने एलसीएम पढ़ाया है, अब एलसीएम का टॉपिक होता है खत्म। हाँ, आप लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं, बै वही मार ढकेले पड़ा है। चलो छोड़ो इसको, हटाओ। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इन्हें घर से कर लीजिएगा। ठीक है, घर से कर लीजिएगा क्वेश्चन, और लिख लीजिए 105, 175, 255। इनका HCF लिख लीजिए। इनको अभ्यास प्रश्न कुछ लोग कहते हैं कि कहां से करें, तो करने को तो तुम कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी जगह करना चाहिए। समझ रहे हो? लिखो जल्दी फटाफट, मतलब इनको क्वेश्चन को लिखो जल्दी जल्दी से। हो गया ना? आगे 30, 60 और 90 HCF। हाँ, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए लिख लीजिए। उसके बाद इसमें एक टॉपिक है, इसमें भाज्य और अभाज्य वाला भी पढ़ाना पड़ेगा, भाजकता के नियम भी पढ़ाना पड़ेगा, विभाज्यता नियम भी पढ़ाना पड़ेगा। आइए, ठीक है, शिल्पा केसरवानी, अच्छा है, 985, 180 और 320। ये 320 है अगर सुनाई पड़ रहा है तो, बाकी इसमें ज़्यादा दिया तो है नहीं। हाँ, ये बताइए भिन्नों का एलसीएम पढ़े हो कि नहीं आप सभी? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जैसे 15/7 और 3/5 का एलसीएम, अगर नहीं पढ़े हैं तो सभी नो लिख लिख के कमेंट करिए। NO, NO, नो 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 नो, पूरे कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं हो जाना चाहिए, तब बताएंगे। ये भाई यूपी वाले, क्या नाम है इनका, बहुत ये 4 बीघा में नाम लिखे हैं, माहिरा पंडित, इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। या तो अपना नाम थोड़ा स्वच्छ सुंदर बना के आइए। हाँ, नाम बनाने को बोल रहे हैं, मेकअप करने को नहीं बोल रहे हैं, जाके खुद पढ़ो, केवल नाम अच्छा से लगे, मतलब लगे कि आप इंसान रूप में है। देखिए नो की जगह पे ज्यादातर यस आ रहा है, ये वही लोग हैं। कौन से पता है? जब ट्रैफिक में जाम लगा होता है, एक साइड की लेन चलती रहती है, दूसरे साइड की जाम रहती है ना, तो ये जिधर चलती रहती उधर जा खड़े हो जाते हैं मुंह फैला के। कभी कभी इतना गाली देने को मन करता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी। देखें आप, रोड पे ऐसा होता है ना, अगर दो लेन है, एक लेन में कार की लाइन लगी है, जाम लगा है, तो बाइक वाला आता है दूसरी साइड में, खड़ा हो जाता सामने, फिर ना वो जाएगा ना जाने देगा। ये हमारे देश में मूर्खों की अधिकता के कारण ऐसा होता है। अगर इसमें से भी कोई है वो सुन रहा है तो ऐसा ना करें, ठीक है? थोड़ा सा सब्र रखें, खुद भी जाने और लोगों को भी जाने दें। उसी में से इसमें से कुछ लोग इस तरह से आ रहे हैं। नहीं नहीं किसी को बुरा ना लगे, मैं कुछ बताने के लिए ऐसा बोला था, कुछ सिखाने के लिए, बुरा नहीं मानिएगा। आइए, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा चलिए बता ही देता हूँ। आइए मैं बताता हूँ, जैसे अगर 3/7 लिखा है ना और 2/9 लिखा है, इनका करना है एलसीएम, तो इसमें एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, पहले ये देखना है कि निकालना क्या है। ऐसे लाइन खींचते हैं, अंशों का और हरों का लिखते हैं, ठीक है। अगर यहां एलसीएम निकालना है तो आप ऊपर एलसीएम लिखेंगे, नीचे एचसीएफ लिखेंगे, यानी कुल मिला के इसको करने के लिए आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर कोई बताएगा मुझे? अश्वनी कुमार बताइए। देखिए, अंशों का एलसीएम, इसमें अंश है 3, इसमें 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम, थोड़ा विस्तार में मैं लिख रहा हूं,
क्योंकि हमारी कोशिश सबको समझ में आए। हरों का HCF तो 7 और 9, इनका क्या करना है, HCF करना है। तो भैया LCM करना आप सबको पता है, अगर वो संख्याएं आपस में अभाज्य हैं, उनके कोई प्रकार के कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ उनका गुणा कर लेने पर ही क्या हो जाता है, LCM आ जाता है। तो इनका गुणा करने पे 6 आएगा। अगर इनके HCF की बात करें तो इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इनका HCF 1 होगा। यानी LCM में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उनका गुणा कर लिया जाता है बस। और अगर HCF में कोई कॉमन नहीं है तो हमेशा HCF 1 आता है। क्यूट फिजा खान 63 आ रहा है। अच्छा ए भैया, HCF था राजा, जो लोग 63 बता रहे ना वो गड़बड़ है। एक ऐसी संख्या चाहिए HCF में जिससे भाग करें तो ये दोनों कट जाएं। तो ये बताओ 63 से कहीं ये संभव है, जो लोग 63 बता रहे हैं, अरे गधों, 63 से क्या 7 कंप्लीटली डिवाइड है, 63 से क्या 9 कंप्लीटली डिवाइड है। HCF का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है। तो ये समझ गए, ये वही लोग हैं जो अभी यस यस बोल रहे थे दांत निकाल के, हाँ वही लोग हैं, ये गड़बड़ा रहे। आइए इधर देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता है। जिस दिन आपकी क्लास चलाने के पहले हम आपका ये मटेरियल देखे रहते हैं कि आज क्या पढ़ाना है, कितना बेहतर तरीके से पढ़ाना है, उस दिन क्लास बेहतर होती है। और जिस दिन आते हैं डायरेक्टर फट पढ़ते हैं, उस दिन क्लास आपकी अच्छी नहीं होती। इसलिए कोई भी कितना भी जानता है वो हमेशा सीखता है। अगर हमेशा सीखता है तभी वो आगे बढ़ता है, बेहतर से बेहतर करता है। कोई कितना भी विद्वान हो हर समय सीखता है। हो गया ये। एक बताइए, 9/12 और 13/15 इनका बताइए LCM। चलिए कोशिश करिए भाई, रुक जाइए अभी, आप परेशान मत रहिए। हाँ चलिए डन। हाँ नहीं बोला था यस, अच्छा ठीक है। देखिए बुरा नहीं मानिए भाई, सॉरी सॉरी, अब आप लोगों से सॉरी बोल रहे हैं और क्या बोले। चलिए आगे बढ़े, कुछ लोग तो नाराज हो जाते हैं, मतलब आधे मिनट में मनाना भी पड़ता है इनमें। आर्यन को भैया इनको इंस्टा आईडी दे दो, इनकी जिंदगी उसी में है। इनको इंस्टा आईडी दे दो, इनकी जिंदगी बस उतने में ही है, उसके आगे इनकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, अंशों का LCM यानी 9 और 13 का LCM। यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए, 9 और 13 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो इनका मल्टीपल हमेशा इनका LCM होता है। 13 9 कितना होता है, 13 9 11 7। तो इनका LCM के लिए गुणा हो जाएगा 117। इनका HCF निकलेगा, इनका HCF निकलेगा, क्योंकि वो कॉमन नंबर जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके वो 3 होगी। क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो ये 3 हो जाएगा। अब ये आपस में कट जाए वो अलग बात है, ये कट पिट जाएंगे, हल हो जाएंगे ना। 3 3 9 3 9 27, हाँ ये कट जाएगा, सरल हो जाएगा। एक्चुअली ये यहाँ पे सरल कर लेना था, हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा किया है। फिलहाल आंसर गलत नहीं है, 39 आएगा, ये भी सही है, लेकिन इनको हमें ऊपर ही सरल कर लेना था, ठीक है। ऊपर कैसे कर लेना था ये वो भी बता देता हूं। देखिए हमारी कोशिश है हर किसी को समझ में आए, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं, मतलब चीजों को जल्दी जल्दी मैं खत्म नहीं करता हूं बिना पूरा एक्सप्लेन किए। इनको आप ऐसे कर सकते थे, 3 3 9 3 4 12,
ये रियल का, ए भाई उल्टा ना हो यार, जिंदगी वैसे भी उल्टा चल रही है, तू भी उल्टा हो जा रहा है। ऊपर 3 आया था, ये तो कटेगा नहीं, ये 5 लिखा हूं, थोड़ा लकवा मार गया, टेढ़ा हो गया, वो अलग बात है। कुछ मजा वजा आ रही कि ऐसे ही? हाँ कुछ गर्मा गर्म बात करें, चटपटी सी का। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं बड़ी मजा नहीं आ रही क्लास में, उनके लिए केजर, पवन सिंह, आचरा, काजल रघवानी और खेसारी लाल, ये लोग हैं ना मजा वाले, जाके देखो ना। आइए इनका आप सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, 39 आएगा। ए भाई अब तो इसका आंसर बदल जाएगा का? तब तो फिर गड़बड़ था वो, इसका मतलब क्यों? 3 3 का 9, 3 चौक 12। हाँ वो जो इसके पहले हम लोगों ने किया था, इसका मतलब वो सही नहीं था। कोई ऐसी गिनती बताइए जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो ये इसका रियल में आंसर है 39। वो गलत था जो इसके पहले किया गया था, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको सरल नहीं किया था। ठीक है, इसको पहले सरल कर लेना जरूरी है, मतलब जितना ये छोटे छोटे टुकड़े में हो सके उतना पहले काट लीजिए, तब आप एलसीएम के सेक्शन में आइए। ये इसका आंसर है, इसके पहले जो अभी अभी किया था वो गलत था, क्योंकि इसको हम लोगों ने सरलीकरण नहीं किया था। समझ में आया? सभी को छापिए, फटाफट छापिए। और आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ये दिल में ना बड़ी तकलीफ होती है अंदर से, समझ रहे हो ना? मेरी वाली भी कहती है मत पढ़ाया करो, ये लोग सुनते नहीं आपकी एक भी, लेकिन मैं क्या करूं, उसकी बात कभी दरकिनार करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, लड़ाई झगड़ा झेल लेता हूँ थोड़ा बहुत, चलिए। लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि सुनते हैं नहीं, तो कम से कम क्लास को शेयर तो कर दिया करिए। आइए इतना हो गया, ये मिटाने वाला थोड़ा एक गड़बड़ है ना, आज इसी में मुझे लग रहा टाइम बीत जाएगा, क्या करूं अब आगे। और इनका एलसीएम बताइए कितना आएगा, इनका कितना आएगा? अच्छा वही आया था, ठीक है ठीक है, सही था, मुझे ध्यान नहीं था। जो भी होगा आंसर, एक चीज याद रहे, मैथमेटिक्स में कोई भी रूल लगा रहे हो, कुछ मात्र नाम मात्र के सवालों को छोड़ दिया जाए तो लगभग किसी भी रूल से करोगे तो सारे सवाल में आंसर एक आता है, आंसर एक ही आता है चाहे जैसे भी करोगे। लेकिन परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, जो कि अभी तक मुझे याद है हाल ही में, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें अलग अलग हो सकता है। मनदीप DET, चलो ठीक है, इतना हो गया, डन। आइए बात करते हैं, ये 35 और 1717, इनमें आपस में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ तुम, वो यादों में मरने वाली बात नहीं पूछूंगा मैं, एक बात बताओ कि शाहबाज आता है संख्या कि नहीं? शाहबाज संख्या आप लोग जानते हैं, वही 7 जिएंगे 7 मरेंगे वाले हैं ये लोग, ना हम सुधरेंगे ना तुम्हें सुधरने देंगे। बताइए इनमें कोई दो नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर? ए रुक जा, बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो गई, थोड़ा सा रुक जाना, एक मिनट भाई, थोड़ा सा रुक जाना। ये चार्जर यहाँ अल फंसा के रखा है इन लोगों ने, मैं क्या करूं इनको। चलिए ठीक है, ओके। हाँ तो मैंने कुछ पूछा था, इन लोगों ने बक्का ही नहीं। सहअभाज्य संख्या मैंने पूछा था, सहअभाज्य संख्या बताओ भैया, बता दो बाबू, बता दो राजा, बता दो कितना होगा,
आर्यन राज, आप ही माहिरा हैं, अच्छी बात है कि आप हैं। ये कभी डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। डिवाइड करने के लिए हम इनका HCF से ही हमेशा इनको डिवाइड करते हैं। HCF मतलब वो बड़ी से बड़ी गिनती जिससे दोनों कट जाए, वो होगी 5। तो 5 × 8 = 40 और 5 × 25, ये रियल का नंबर आ गया। इनका LCM कर लीजिए, जो कि आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीपल हो जाएगा। इनका भी 1 आएगा, ठीक है। हाँ, रंजीत कुमार, सपना राठौर, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2, 3 और 5 हो गया, 2 और 7 हो गया। एक चीज और, सह अभाज्य का मतलब इसमें भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं होता है। ये शिक्षित लोग हैं, इनमें हिंदू मुस्लिम धर्म का कोई झंझट नहीं है, समझ रहे हो। अब ये कहोगे धर्म वाली कौन सी बात है, अगर आपने हमारी बेसिक क्लास देखा होगा तो मैंने आपको प्रेजेंट टाइम के माहौल के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। मैंने कुछ इधर का उधर नहीं किया था, लेकिन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं देश में, मीडिया वाले जैसे लोगों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं घुसेड़ घुसेड़ के, उसके आधार पर बताया था, ठीक है। आइए देखिए, जैसे अगर मैंने लिखा 3 और 12, तो क्या ये को प्राइम नंबर हो सकते हैं? क्या ये को प्राइम नंबर हो सकते हैं 3 और 12? नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है भाई। 3 से काटो ये कट जाएंगे आपस में, ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो 1 और 4 आ गया। ये ऐसी स्थिति अगर होती है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन 12 और 5 ये को प्राइम नंबर है, ये सह अभाज्य है, इसमें से एक संख्या सम भी है भाज्य भी है, लेकिन इन दोनों से कंपेयर करते हैं, मतलब कोई ऐसा भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो बस। राधा देवी, हर्षिता शर्मा, नेहा मिश्रा, मनवेंद्र सिंह, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक और बताइए, क्या 3 और 4 ये सह अभाज्य हैं? अगर हैं तो सभी ए लिख के कमेंट करेंगे, ए फॉर एप्पल, और नहीं है तो बी लिख देंगे, बी फॉर बाल, हाँ, बाल या बेलन या बहू और बर्तन और बहुत सारी चीज होता है बी से, बीबी भी होती है एक। आइए हो गया इतना, अब इधर साइड में आइए। सतीश गुप्ता, ठीक है, अखिलेश श्रीवास्तव, अनुपम मौर्य, वेरी गुड। भैया ये सह अभाज्य हैं, ठीक है। आज जो है टाइम काफी लंबा हो गया, लेट हो गया, कुछ चीजें और भी पढ़नी है, बहुत सारी चीजें, वो सब हम बताएंगे। एक छोटा सा मीठा सा क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, क्वेश्चन मीठा ही क्लियर है, जिससे आप जाके जब सोए ना तो थोड़ा थोड़ा आपको मीठा मीठा लगे, इसलिए देखिए वो छोटका सा मीठा क्वेश्चन ये है कि अगर एक ठी बचवा है, मान लो कि वो पूर्णांक है उसका 600 का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार पूछा हूं, और प्राप्तांक है 360, ठीक है, तो बताइए कि वो कितना परसेंट नंबर हासिल किया है। क्या कोई खिलाड़ी है ऐसा जो बता लेगा? ये परसेंटेज में मैं बताऊंगा, ठीक है, परसेंटेज इसी के जस्ट बात पढ़ना है। दीपक शर्मा जी, बिल्कुल, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, तगड़ वाली हो जाएगी। आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके एक बार प्रीमियम कोर्स आप देखिए, सिर्फ एक बार, बस ओनली वन टाइम। सबसे पहले इसका जवाब देने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है अनुपम मौर्य और अखिलेश वर्मा, सॉरी अनिल कुमार वर्मा, शिल्पा केसरवानी, अश्वनी और माहिरा, ठीक है, ओके। कुछ लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए ना अपने आप को बहुत हद तक गड़बड़ भी कर लेते हैं। अब जैसे देखो मार्केट में सब लोग जाते हैं घूमते आराम से नॉर्मली, तो कोई किसी पे नजर नहीं जाती है, लेकिन कोई किसी चाहे कि मैं सबसे अलग दिखूं, अगर मुंह में गोबर ओबर लगा के गया तो क्या लोग देखेंगे? एक नजर देखो, देखो कितना गंदा आ रहा है ना। वो अपनी मतलब
अंदर से तो सोचेगा कि हाँ हम अलग दिख रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग क्यों देख रहे हैं ये शायद उसको नहीं पता है। इसलिए कोई प्रकार का दिखावा करने से बचें, समझ रहे ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ बुरा लगा तो सॉरी।